नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एरिस्टोजाइम ड्रॉप का रिव्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो एरिस्टोजाइम ड्रॉप मार्केट में आती है, इसके जो है क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो से काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी इस ड्रॉप के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एरिस्टोजाइम ड्रॉप जो आती है, ये कौन सी कंपनी बनाती है, इसकी MRP कितनी है और कितने ml की पैकिंग में आती है। तो दोस्तों ये एरिस्टोजाइम जो ड्रॉप है, ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। और बात करें इसके MRP की, तो इसका MRP है ₹55 और 15 ml की पैकिंग में ये ड्रॉप आती है, जैसा कि आप साइड में भी देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये स्पेशली जो एरिस्टोजाइम ड्रॉप है, ये पेडियाट्रिक ड्रॉप है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए होती है। 1 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये होती है। दोस्तों इसका इस्तेमाल बच्चों के हाजमे के लिए किया जाता है। जो बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका अगर पेट का हाजमा सही नहीं है, उनका पेट गुम रहता है, उनको लेटरिंग सही नहीं आ रही है, या फिर वो दूध वगैरह नहीं पी रहे हैं, या दूध पलट देते हैं छोटे बच्चे। दोस्तों क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या फिर बच्चों के जब दांत वांत निकलते हैं तब भी उनको काफ़ी तकलीफ होती है। तो उनके पेट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उनका पेट का, वो सही नहीं होता है। तो उस दौरान उनको पेट में दर्द रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे बोल भी नहीं सकते हैं और वो रात दिन फिर रोते रहेंगे, बार बार रोते रहेंगे, और माँ बाप को ना समझ में ही नहीं आता कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। दरअसल होता क्या है, उनका पेट का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है रोते रहते हैं, उनके पेट में दर्द रहता है, मरोड़ रहती है, ऐठा रहता है। तो पेट की जो है काफ़ी दिक्कत रहती है बच्चों को उस टाइम। तो उस कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवाई से तो पेट का हाजमा सही रहेगा बच्चों का, पेट में दर्द नहीं होगा, पेट में मरोड़ नहीं होगा, और पेट का अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, बच्चों को लैटरिंग सही तरीके से नहीं आ रही है, उसमें भी अच्छा इसका रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा काम करती है। या फिर जो है जब 10 महीने के बच्चे हो जाते हैं, उस दौरान क्या होता है, बच्चों के दांत निकलते हैं, उस दौरान भी क्या होता है, बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, पेट का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है, काफ़ी अच्छी दवाई है। इसको यूज़ करने से क्या होता है, बच्चों का पेट का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ना बच्चों को पेट में दर्द होगा, ना पेट में मरोड़ होगी, और पेट का हाजमा अच्छा रहेगा, बच्चे जो है दूध भी अच्छे से पियेंगे, खाएंगे भी अच्छे से, और उनकी लैटरिंग वगैरह भी, पॉटी वगैरह भी अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको ये सब प्रॉब्लम है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करा सकते हैं, काफ़ी अच्छी दवाई है। और ये दवाई आपको कहीं भी आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल होती है, हर जगह मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको 1 ml देनी होती है सुबह शाम, दोनों टाइम 1 ml सुबह, 1 ml शाम को, दो टाइम इसको यूज़ करानी होती है। बाकी आप एक बार जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, एक बार डॉक्टर को दिखा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसी तरीके से आप इसको यूज़ करा सकते हैं। बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट वगैरह इस दवाई का कुछ नहीं होता, कुछ दिनों तक आप यूज़ करा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी दवाई है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर आप ये सब प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास भी जाओगे, तो डॉक्टर भी ज़्यादातर पेट की समस्याओं के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको यही एरिस्टोजाइम ड्रॉप का जो है इसी को रिकमेंड करते हैं, इसी को जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये था एरिस्टोजाइम ड्रॉप का रिव्यू। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कुछ इस एरिस्टोजाइम ड्रॉप से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या आपका कोई सवाल हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।